नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। जहाँ हिमाचल का भला होगा वहाँ निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे, वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्हें बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व तो जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहाँ हिमाचल का भला होगा वहाँ निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। बहुत कम अंतर से जी सारी चीज़ें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं और इस सारी चीज़ के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे।